जिले के बुजुर्ग अब नहीं होंगे परेशान, पुलिस करेगी उनकी देखभाल। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एसपी ने जारी की एडवाइजरी। धौलपुर की प्रमुख खबर, जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा ने वरिष्ठ नागरिकों को लेकर एडवाइजरी जारी कर कहा है कि अगर उनके बच्चे उन्हें परेशान करते हैं तो जिला पुलिस ने कंट्रोल रूम के नंबर 9530411842 पर कॉल करें या पुलिस अधीक्षक सीयूजी नंबर 8764511201 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अथवा स्थानीय पुलिस को सूचना दें, पुलिस तुरंत कार्यवाही करेगी। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा ने बताया कि धौलपुर पुलिस के जवान एवं अधिकारी ऑपरेशन संभल के तहत समय समय पर जिले में वरिष्ठ नागरिकों एवं बुजुर्गों के साथ संवाद किया करेंगे। इस दौरान भी उनको अपनी समस्याओं से अवगत करा सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों का संभल करना हम सभी की जिम्मेदारी है। वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज एवं परिवार के सबसे मजबूत स्तंभ होते हैं। जिला मुख्यालय के राजाखेड़ा बाईपास रोड पर लगाया जाम। धौलपुर की प्रमुख खबर, जिले की बलराम विहार कॉलोनी व गोविंद वाटिका जाने वाले रास्ते में जलभराव की समस्या को लेकर कॉलोनी वासियों ने राजाखेड़ा बाईपास रोड पर लगाया जाम। जाम से वाहनों की लगी लंबी लाइन, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नगर परिषद मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। सूचना पर पहुंची निहालगंज थाना पुलिस लोगों से की समझाइश। पिछले काफ़ी समय से जलभराव, कीचड़, सीवर लाइन आदि की समस्या से परेशान है कॉलोनी वासी। लोगों का कहना है कि कई बार मौखिक लिखित शिकायत के बाद भी समस्या का नहीं हुआ कोई समाधान। सूचना पर नगर परिषद आयुक्त मौके पर पहुंचे तथा लोगों की समस्या का शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया, तब जाकर जाम खोला गया। पानी किस वजह से रुक रहा है, क्यों रुक रहा है? थोड़ा सा मुआयना करो, आ जाओ। सही है, आज तक आए नहीं। करोड़ों का बजट आता है, करोड़ों का बजट आता है, कहाँ जाता है बजट? लेकिन आज की बात, वीडियो चालू करो, करो करो, कहाँ जाता है ये बजट? मेरी बात सुनो, तसल्ली में अपनी सर, मुझे आज इनको ये मेरे अपनी समस्या बताओ। इनको मालूम है, इनको पूरी समस्या मालूम है। मैं इनको उंगली करके आगे और ज्यादा है, आगे और ज्यादा है, घर भर रहे हैं, हमारा घर भर रहा है। चलो चलो आगे चलो। स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, नुक्कड़ नाटक का आयोजन। बाड़ी की प्रमुख खबर, नगरपालिका बाड़ी द्वारा स्वच्छता पखवाड़े के तहत स्वच्छता को ध्यान रखते हुए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें निजी विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा स्वच्छता के बारे में और सूखा गीला कचरा अलग अलग कर नगरपालिका की गाड़ी में डालने के लिए लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समझाया गया। कार्यक्रम मंच संचालन वार्ड पार्षद अमर सिंह पोषवाल द्वारा किया गया। राजकीय सामान्य चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी हरिकिशन मंगल द्वारा लोगों से अपील की कि अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें और प्रदूषित जल पीने से होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दी। कांग्रेस सेवा दल की जिला अध्यक्ष आरती शिवहरे ने कहा कि स्वच्छ रहो, स्वस्थ रहो, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखो और हमें स्वच्छता में जनभागीदारी निभानी चाहिए। समाज सेविका शिप्रा गर्ग ने बताया कि हमें घर से निकलने वाले कचरे को दो डस्टबिन के माध्यम से नगर पालिका की गाड़ी में डालना चाहिए और अपने गली मोहल्लों को स्वच्छ रखना चाहिए। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि होतम सिंह ने रहवासियों से अपील की कि हमें अपने शहर में स्वच्छता बनाए रखनी है और कहीं भी कचरे का ढेर न बनाएं और न ही किसी को बनाने दें। शहर हमारा है और शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना हमारा कर्तव्य है। उपस्थित लोगों में वार्ड नंबर 27 के पार्षद ओमवीर सिंह चौधरी, वार्ड नंबर 18 के पार्षद अमर सिंह पोषवाल, MIM इंजीनियर विवेक मीना, टीम बेसिक्स से हरीश सिंह राजपूत, किशोरी फटेले, सतीश गुर्जर, प्रमोद सारस्वत, कवेश सारस्वत उपस्थित रहे। नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति में अध्यापक हेमंत शर्मा, शारदा शर्मा, खुशबू तोमर एवं छात्र छात्राएं प्राची शर्मा, अर्ची, नव्या मंगल, वैष्णवी, किलेदार, रेखा, श्वनपिल, तन्मय, दृष्टिवंश, विष्णु, सार्थक, हर्षित जादौन, आरव गर्ग, भारत ठाकुर, कार्तिक, स्तुति मंगल एवं अदिति सिंह द्वारा यह प्रस्तुति की गई। स्वच्छ भारत निरोगी भारत, स्वच्छ भारत निरोगी भारत, स्वच्छ भारत निरोगी भारत। पता है वैष्णवी, मेरे बेटे का भी बुखार धीरे धीरे चलता जा रहा है। उसे मुझे लगता है कि उसे गंदगी के कारण ही बुखार हुआ था। हाँ स्तुति, मेरे दादाजी की तबीयत भी अब दिन ब दिन ठीक होती जा रही है।
बेटा आज आपने हमें बहुत बड़ी सीख दी है, तो हम वादा करते हैं हम भी अपनी अगली पीढ़ी को स्वच्छता की महत्ता सिखाएंगे ताकि वे बीमारियों से सुरक्षित रहें। एक और महत्वपूर्ण बात, हमें अपने घरों का कचरा अलग अलग डालना चाहिए, सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग। लेकिन वो क्यों? क्योंकि गीला कचरा जैसे फल सब्जियों के छिलके, इन सभी के कचरे को डालने के लिए हमें गीले कचरे डालना चाहिए, इनसे क्योंकि इनसे जानवरों को खाने के लिए और उनके खाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सूखा कचरा जैसे कागज, कांच के टुकड़े, प्लास्टिक की थैलियाँ, इन सभी को रिसाइकल करके उन्हें पुनः उपयोग योग्य बना दिया जाता है। इसलिए गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग रखें। और यदि हम अपने घर के आसपास स्वच्छ वातावरण रखेंगे तो ना हम केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल वातावरण बना सकेंगे, क्योंकि स्वच्छता ही हमारी सेवा है। और एक बात और याद रखें, यदि आप इस पर अपना योगदान देते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, याद रखें, स्वच्छता ही सेवा है। और स्वभाव स्वच्छ तो संस्कार स्वच्छ, स्वभाव स्वच्छ संस्कार स्वच्छ, स्वभाव स्वच्छ संस्कार स्वच्छ। मंच पर पंचाल से हमारे पीएमओ साहब, कांग्रेस पार्टी की आतिशवरी जी और बीजेपी पार्टी से अपने चिंता जी और हमारे नगर पालिका पार्षद उमित सिंह चौधरी जी और अमर सिंह जी जो हमेशा स्वच्छता के बारे में काम करते रहते हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज भाजपा प्रदेश कार्यालय जयपुर में सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष जी, राष्ट्रीय मंत्री सदस्यता अभियान राजस्थान के प्रभारी ऋतुराज सिन्हा जी, प्रदेश संगठन प्रभारी राधा मोहन दास जी, अग्रवाल प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जी, प्रदेश संयोजक सदस्यता अभियान एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा एवं प्रदेश सह संयोजक सदस्यता अभियान मोतीलाल मीणा जी ने किया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं जिला संयोजक सदस्यता अभियान धौलपुर धीर सिंह जादौन उपस्थित रहे। अनुभव आधारित शिक्षा कार्यक्रम का धौलपुर जिला चिकित्सालय में हुआ समापन। धौलपुर की प्रमुख खबर, माई भारत विभाग के सौजन्य से दिनांक 19 सितंबर 2024 से लेकर 27 सितंबर 2024 तक स्वास्थ्य विभाग के साथ अनुभव आधारित शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें धौलपुर जिले से 10 वॉलेंटियर्स को अनुभव आधारित शिक्षा कार्यक्रम से जोड़ा गया, जिसमें वॉलेंटियर के रूप में नेहरू युवा केंद्र से हाउसिंग बोर्ड के युवा मंडल अध्यक्ष सारांश अग्रवाल व एनएसएस से माधुरी, टोनी, गुंजन, पल्लवी, मनाली, जय, कुलदीप, अजय, अमन का चयन किया गया था। प्रत्येक वॉलेंटियर को हर दिन अस्पताल में 2-3 घंटे अस्पताल की कार्यप्रणाली सीखने एवं सेवा कार्य में सहयोग करने के लिए अवसर दिया गया, जिसमें वॉलेंटियर सारांश अग्रवाल ने बताया कि हम सभी वॉलेंटियर ने प्रत्येक दिन हॉस्पिटल के सभी विभागों में जाकर जानकारी प्राप्त की एवं मरीजों की समस्याओं को जाना। मरीजों ने बताया कि कोई समस्या होने पर नर्सिंग स्टाफ के सहयोग से समस्या का समाधान किया जाता है, जब डॉक्टर की ज़रूरत होती है तो नर्सिंग स्टाफ के सहयोग से बुलाकर समस्या का समाधान किया जाता है। मेरा नाम सारांश अग्रवाल है, मैं नेहरू युवा केंद्र से युवा मंडल अध्यक्ष। माई भारत पोर्टल के द्वारा युवाओं के पहले रजिस्ट्रेशन कराए गए थे धौलपुर चिकित्सालय में अनुभव आधारित शिक्षा कार्यक्रम के तहत, जिसमें काफ़ी आवेदन किए गए थे। उनमें से 10 वॉलंटियर धौलपुर डिस्ट्रिक्ट पर सिलेक्ट किए गए हैं, जिनमें से एक मैं, मेरा नाम सारांश अग्रवाल, नेहरू युवा केंद्र से हूँ, और बाकी के जो मेरे साथ जो 9 प्रतिभागी हैं वो सारे NSS से हैं। हमारा कार्य यह है कि धौलपुर के हॉस्पिटल नए और पुराने में जाकर के ये देखना कि मरीजों को समस्या तो नहीं आ रही है, डॉक्टर के द्वारा मरीजों को जो दवाइयाँ दी जा रही है उनके लिए जानकारी लेना, प्रत्येक वार्ड में जाकर के उनकी चिकित्सा प्रणाली को जानना,
जैसे कि हम धौलपुर हॉस्पिटल के एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, फीमेल फर्स्ट, फीमेल सेकंड, मेल फर्स्ट, मेल सेकंड, एमसीएच, मैटरनिटी, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड और पर्चा वार्ड और ओपीडी वार्ड और जेनेटरी वार्ड, हम अधिकतम सभी वार्डों में गए और वहाँ पर हमने मरीजों से होने वाली उनकी समस्याओं को जाना। उनकी ओर से बताया गया कि यहाँ के डॉक्टर और स्टाफ के द्वारा हमें कोई दिक्कत नहीं है, जब भी हमें कोई दिक्कत आती है तुरंत 24 आवर्स यहाँ स्टाफ और डॉक्टर मौजूद रहते हैं और हमें बराबर मात्रा मिलती है। ये हमारी सरकार के द्वारा 19 तारीख से 27 तारीख तक हमारे ये शिविर लगाया गया था धौलपुर हॉस्पिटल में, जिसका आज समापन है, आज 27 तारीख। धन्यवाद। आंगई गांव में बिहिप की बैठक में नवीन कार्यकारिणी का हुआ गठन, अध्यक्ष बने देवेंद्र परमार। सरमथुर आंगई की प्रमुख खबर, उपखंड के आंगई ग्राम पंचायत के नूरपुर गांव बैग वाले हनुमान जी मंदिर पर विश्व हिंदू परिषद की प्रखंड बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संघ के खंड संचालक राधेश्याम पारासर ने भारत माता के चरणों में दीप प्रज्वलित कर की गई। विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष देवेंद्र कुमार गर्ग के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में खंड के संचालक राधेश्याम पारासर का ग्रामवासियों व विहिप के पदाधिकारियों ने श्री राम पट्टिका पहनाकर स्वागत एवं सम्मान किया। बैठक में संगठन की कार्यप्रणाली, गतिविधि, सनातन धर्म की संस्कृति, मठ मंदिर, साधु संत व महिलाओं की रक्षा संरक्षण का विषय रखा गया। प्रखंड अध्यक्ष देवेंद्र गर्ग ने आगामी 20 अक्टूबर को सरमथुरा के राधा रानी पैलेस में होने वाली त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम में सभी सनातनी हिंदुओं को ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने के लिए आग्रह किया। बैठक के अध्यक्ष व प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रखंड मंत्री शिवम खेमरिया ने आंगई विहिप व बजरंग दल की कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें सर्वसम्मति से आंगई के मंडल अध्यक्ष देवेंद्र सिंह परमार, उपाध्यक्ष छन्नू मंगल, मंत्री नितिन भारद्वाज, सहमंत्री जितेंद्र सिंह परमार बजरंग दल, संयोजक महेश परमार, सह संयोजक नितिन शर्मा, गया प्रसाद मीना, सत्संग प्रमुख प्रमोद सिंह जादौन, मातृशक्ति संयोजिका दुर्गेश परमार, सह संयोजिका शीलू परमार, दुर्गा वाहिनी संयोजिका लक्ष्मी राजावत, सह संयोजिका शशि मीना को चुना गया। इस दौरान मंदिर पुजारी मुरारी विवेक सिंह परमार, आशु परमार, लाला परमार, अमित सोनी सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। ग्राम पंचायत मरेना में मनाया गया सप्तम पोषण माह, कुपोषण पर प्रहार, राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। उपखंड की मरेना में जिला कलेक्टर धौलपुर के निर्देशन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सप्तम पोषण माह मनाया गया। इस अवसर पर आंगनबाड़ी केंद्र मरेना पर पोषण मेले का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा, विशिष्ट अतिथि रामवती देवी, पूर्व जिला प्रमुख ने सरस्वती माता के छायाचित्र के समक्ष पुष्प अर्पित करके दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बनाए गए विभिन्न पोषाहार व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई, जो बच्चों का अन्नप्राशन और दो बच्चों का प्रवेश उत्सव मनाया गया। पोषण माह की थीम एक पेड़ माँ के नाम के अनुसार वृक्षारोपण भी किया गया। हीडी पीओ राजाखेड़ा अवनीश कुमार ने पोषण माह और विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले आंगनबाड़ी कार्मिक राजाखेड़ा से अनिता राठौर, वसंहिया राम, सन्नू देवी, माधवपुरा सुमन, अतरौली मुन्नी देवी, फकपुरा से रजनी, कुशेड़ा से कांति देवी, बाबरपुर से मंजू जैन को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महिला पर्यवेक्षक माया देवी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में मंच संचालन मांगीलाल आर्य, सहायक लेखाधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग धौलपुर द्वारा किया गया। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदयनिया की रिपोर्ट। चूँकि हमारा ये पोषण माह चल रहा है, सितंबर का महीना हर वर्ष पोषण माह के रूप में मनाया जाता है और ये परंपरा केंद्र सरकार के द्वारा डाली गई है। जब सरकार को ये लगा कि पोषण के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में आज भी मैं अखबार पढ़ रहा था, बांसवाड़े की घटना आई थी, उसमें एक महिला को हीमोग्लोबिन।
कॉलोनी में निकला काला सांप, लोगों में मचा हड़कंप। सपेरे को बुलाकर कराया रेस्क्यू। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर की हौद मोहल्ले की गली नंबर 8 वज्रंग कॉलोनी में शुक्रवार को दिन में काला सांप निकलने से हड़कंप मच गया। लोगों ने जैसे ही खुले में फुंकार मारते सांप को देखा तो भाग खड़े हुए। कुछ लोगों ने हल्ला मचाकर लोगों को बुलाया। इस दौरान सांप रेंगता हुआ एक मकान की नींव में जाकर घुस गया। कॉलोनी निवासी मुन्नालाल अग्रवाल के घर के ठीक पीछे निकले सांप को लेकर जब जानकारी हुई तो मुन्नालाल के लड़के राजू ने तुरंत इसको लेकर वन विभाग को सूचना दी, लेकिन वन विभाग की टीम के मौके पर नहीं पहुंचने पर सपेरे को बुलाया गया, जिसने बिना बीन और किसी दवा के सांप को हाथों से पकड़ा है, जिसे जंगल में छोड़ा जाएगा। हौद निवासी राजू वैश्य ने बताया कि सांप कोबरा प्रजाति का बताया जा रहा है। इसकी लंबाई करीब 8 फीट है और यह जहरीला है। बाड़ी से प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। बताइए रहू। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम काला सपेरा। ये सांप आपने पकड़ा, कैसे, क्या पकड़ा है? सेठ जी ने बुलाया, आपसे सांप पकड़ा है मैंने। अतुल मोबाइल फंड। कहाँ रहते हैं आप? जिला धौलपुर, तहसील बाड़ी, पोस्ट मसूरा, गांव संडपुरा। किसी को आगे जरूरत पड़े तो आपसे कैसे संपर्क? पड़े तो ऑनलाइन फ्री हूँ। हमारा मोबाइल नंबर लीजिए। मोबाइल नंबर बता दो। 85 29 16 63 92। आप पकड़ लेते हैं सभी तरह के सांप को? सांप हो ना, दिख जाए बस। अच्छा, हाथ से पकड़ते हैं? हाथ से पकड़ता हूँ, कोई दवा नहीं, कोई भीम नहीं। ठीक, जाति का सफेरा। ये कितना बड़ा है सांप? ये होगा 8 फुट का सांप है, देख लो। 6 फुट की लंबाई है। 7 फुट, 7 फुट, 7 फुट। एक दिवसीय दिव्यांग जन शिविर आयोजित, 204 का हुआ रजिस्ट्रेशन। बसेड़ी की प्रमुख खबर। पंचायत समिति में शुक्रवार को जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी के निर्देशन में दिव्यांगजनों के लिए एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में दिव्यांगजनों के पंजीकरण करने एवं डिजिटल प्रमाण पत्र एवं UDID कार्ड जारी करवाने तथा दिव्यांगजनों के चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवाने, रोडवेज पास, दिव्यांग छात्रवृत्ति योजनाओं से लाभान्वित किया गया। दिव्यांगजनों ने शिविर में पहुंच रजिस्ट्रेशन कराया। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने दिव्यांगजनों को अपने नजदीक ई मित्र केंद्र, अटल सेवा केंद्र पर निःशुल्क पंजीयन कराने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि दिव्यांग व्यक्ति कंप्यूटर व मोबाइल के माध्यम से पोर्टल पर खुद पंजीयन कर सकते हैं। शिविर में 204 दिव्यांगजनों का रजिस्ट्रेशन किया गया, जिसमें से 149 को स्वीकृत किया गया, वहीं 55 को लंबित रखा गया। इसी प्रकार 26 रोडवेज परिवहन पास के आवेदन प्राप्त हुए। इस मौके पर पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि शंकर सिंह परमार, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मनीराम शर्मा, प्रमोद कुमार, नरेंद्र शर्मा, मोहन प्रकाश शर्मा, पवन तोमर, बाल अधिकारिता विभाग, डॉक्टर सूर्यकांत मौर्य, अस्थि रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अरुण गर्ग, नेत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर रूपेंद्र शर्मा, मनोरोग विशेषज्ञ, डॉक्टर महेश गुप्ता, ANT विशेषज्ञ, रामदुलारी शर्मा, राजस्थान रोडवेज में शिविर में मौजूद रहे। बसेड़ी से रवि गोयल, डोबरा वालों की रिपोर्ट। ABVP के कार्यकर्ताओं ने धौलपुर नगर में किया पौधारोपण कार्यक्रम। धौलपुर की प्रमुख खबर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई धौलपुर के द्वारा दाऊजी मंदिर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। इस दौरान नीरज शर्मा ने बताया है कि मानव को प्रारंभ से प्रकृति द्वारा जो कुछ प्राप्त होता रहा है उसे निरंतर प्राप्त करते रहने के लिए वृक्षारोपण अति आवश्यक है। वृक्ष वातावरण को शुद्ध व स्वच्छ बनाते हैं। इनकी जड़ें भूमि के कटाव को रोकती हैं। वृक्षों के पत्ते भूमि पर गिरकर सड़ जाते हैं तथा ये मिट्टी में मिलकर खाद बन जाते हैं और भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं और अनेक प्रकार के फल फूल और औषधियाँ भी वृक्षों से ही प्राप्त होती हैं। नगर विद्यालय संयोजक प्रमोद राठौर ने बताया कि आजकल नगरों तथा महानगरों में छोटे बड़े उद्योग की बाढ़ सी आती जा रही है। इनसे धुआं, तरह तरह के विषैली गैसें आदि निकलकर वायुमंडल में फैलकर हमारे वातावरण में भर जाती हैं। पेड़ पौधे इन विषैली गैसों को वायुमंडल में फैलने से रोककर पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकते हैं। हमें पेड़ पौधों की रक्षा तथा उनके नवरोपण की ओर ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थी परिषद शैक्षणिक गतिविधियों के साथ सामाजिक एवं पर्यावरण गतिविधियाँ भी चलाती हैं, जो मानव ही नहीं पशु पक्षी के कल्याण के लिए हैं। इस मौके पर जयपुर प्रांत सोशल मीडिया टोली सदस्य अंकित सेन, नीरज शर्मा, प्रमोद राठौड़, मानव भुरैया, अभय त्यागी, रामनिवास लोधी सहित आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये जो वृक्ष हैं,
वो धरती की एक श्रृंगार है और पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक है। वृक्ष जो हैं हमारे लिए ऑक्सीजन भी देते हैं। काफ़ी पेड़ अभी आंधी में टूट गए हैं, रोडों में ये पेड़ों को काटा जा रहा है जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है। वृक्षों की वजह से ही हमारे यहाँ बारिश होती है और वृक्षों से ही हमारा सब कुछ है। अगर वृक्ष नहीं होते तो हमारा जीना दूसर हो जाएगा। वृक्ष के बिना हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आदमी रोगों से पीड़ित रहेगा। इसलिए मेरा सभी से करबद्ध निवेदन है कि वृक्षों की सुरक्षा करें, वृक्ष लगाएं, पर्यावरण को शुद्ध बनाएं। भारतीय किसान संघ में जिला कलेक्टर कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज भारतीय किसान संघ धौलपुर के द्वारा जिला कलेक्टर को उनके निजी सचिव के माध्यम से ज्ञापन दिया गया, जिसमें जिले के किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु मांगें रखी। ज्ञापन में जिले में अतिवृष्टि बाढ़ से प्रभावित गांवों की विशेष गिरदावरी करवाई जावे तथा उचित मुआवजा दिलवाया जावे। जिले में खाद DAP इफको की रैक शीघ्र मंगाई जाए। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम NDCP के अंतर्गत खुरपाका एवं मुहपका रोग टीकाकरण FMD चल रहा है, इसकी प्रभावशाली मॉनिटरिंग करवाई जावे एवं किसानों को DAP एवं यूरिया खाद की खरीद के साथ नैनो यूरिया व अन्य उर्वरक खरीदने की जो अनिवार्यता है उस पर लगाम लगाई जावे। इस मौके पर लक्ष्मी नारायण मीणा, पूर्व प्रांत उपाध्यक्ष कायम सिंह परमार, पूर्व संभाग उपाध्यक्ष इंद्र सिंह पवार, जिला संरक्षक नथी सिंह परमार, प्रांत उपाध्यक्ष अमर सिंह चाट, जिला उपाध्यक्ष रमेश सिंह परमार, जिला प्रचार प्रमुख फेकम सिंह चाट आदि सदस्य उपस्थित रहे। अग्रवाल युवा सेवा समिति का गठन। हेमंत फंसल अध्यक्ष व विकास गोयल बने सचिव। बसेड़ी की प्रमुख खबर। अग्रसेन युवा सेवा समिति बसेड़ी की कार्यकारिणी का गठन अग्रवाल समाज अध्यक्ष हरिओम गर की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से संरक्षक पद पर संजय अग्रवाल, अध्यक्ष हेमंत वंसल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेंद्र गर्ग, उपाध्यक्ष लवकुश अग्रवाल, सचिव विकास गोयल, मंत्री अनुज मित्तल, संगठन मंत्री सचिन वंसल, कोषाध्यक्ष हैप्पी गोयल को निर्विरोध चुना गया। साथ ही कार्यकारिणी सदस्य में रितेश गोयल, शिवम गर्ग, प्रिंस वंसल, अभय सिंघल, यश वंसल, मनोज अग्रवाल, केशव वंसल, प्रांशु वंसल, प्रिंस गोयल, शांतनु कंसल को चुना गया। अध्यक्ष हेमंत बंसल ने बताया कि अग्रसेन जयंती के अवसर पर अग्रसेन युवा सेवा समिति द्वारा 29 सितंबर रविवार को दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक अग्रवाल समाज के बालक बालिकाओं के लिए आशुभाषण व पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। युवा प्रदेश सचिव रवि गोयल दोबरा बालों ने बताया कि प्रतियोगिताओं के माध्यम से अग्रवाल समाज की छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारने का मौका मिलता है, साथ ही प्रतियोगिताओं के माध्यम से बौद्धिक व शारीरिक विकास भी होता है। सचिव विकास गोयल ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी 29 सितंबर रविवार को दोपहर 12 बजे तक शिवम मेडिकल, रवि गोयल दोपरा वाले, KV ड्राई फोर्स सहित समिति पदाधिकारियों से संपर्क कर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस मौके पर सुरेश चंद गोयल, ब्रजकिशोर गर्ग, मुन्नालाल गर्ग, नेमीचंद सिंघल, सत्यप्रकाश मित्तल सहित समाज के गणमान्य नागरिक व युवा साथी मौजूद रहे। स्टेट पैरा थ्रो वॉल टीम ने जीता सिल्वर। एटकी के सुनील ने किया प्रतिनिधित्व। सैपो धौलपुर की प्रमुख खबर। ताना भगत इंडोर स्टेडियम रांची झारखंड में 21 से 23 सितंबर 2024 तक आयोजित हुई तीसरी सीनियर पैरा थ्रो वॉल नेशनल चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान की पुरुष व महिला टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल हासिल किया। पुरुष वर्ग में राजस्थान टीम में जालोर निवासी विजय राज चौधरी की कप्तानी व महिला टीम की कप्तान सरदार शहर निवासी ममता रैगर थी। प्रतियोगिता की पुरुष वर्ग में सैंपो उपखंड के गांव ईट की निवासी सुनील पुत्र जगदीश शर्मा ने टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए धौलपुर जिले का नाम रोशन किया। पैरा थ्रो वॉल एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष कृष्ण कुमावत ने इस चैंपियनशिप में भाग लेने वाले समस्त खिलाड़ियों को बधाई दी है। संस्था सचिव सुवेंद्र कोठारी ने बताया कि खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत ने मेडल दिलवाकर राजस्थान का मान बढ़ाया है। टीम के खिलाड़ियों में समन्वय करने के लिए संस्था की ओर से समन्वयक सुभाष चंद्र बुनकर निवासी खेचरोली जयपुर, पुरुष वर्ग अनिल कुमार श्री गंगानगर व शकीना मनियार निवासी झुंझुनू महिला वर्ग नियुक्त किए गए थे। सैंपो उपखंड के गांव ईट की निवासी सुनील शर्मा ने टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए धौलपुर जिले का नाम रोशन करने पर जिलेवासियों ने हर्ष व्यक्त किया है, जिसमें
कृष्णा परमार सैपऊ, हरवीर सिंह राजपूताना, मंशा कापुरा, अमित परमार नाहरपुरा, आकाश परमार सैपऊ, शिवम परमार इंटकी एवं समस्त जिले वासियों ने हर्ष व्यक्त किया है। हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर आर के पांडे 28-29 सितंबर को रहेंगे धौलपुर में। धौलपुर की प्रमुख खबर, डॉक्टर आर के पांडे MD मेडिसिन DM कार्डियोलॉजी हार्ट स्पेशलिस्ट इस माह 28 सितंबर 2024 शनिवार को दोपहर 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक एवं 29 सितंबर 2024 रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्लड प्रेशर, मधुमेह, हृदय रोग, सीने में दर्द, फारीपन, दमा, श्वास, अस्थमा, मियादी, बुखार, चक्कर, धड़कन बढ़ जाना, बेहोशी, थायराइड संबंधित सभी समस्याओं के निदान के लिए डॉक्टर आर के पांडे से धौलपुर में परामर्श ले सकते हैं। मिलने का पता एरोविक फिजियोथेरेपी सेंटर कार्डिक ICU के सामने हॉस्पिटल रोड धौलपुर है। अधिक जानकारी तथा पूर्व अपॉइंटमेंट के लिए 9785304530 9660935272 पर संपर्क करें। SDM कार्यालय में दिया ज्ञापन। बसेड़ी से प्रमुख खबर, बसेड़ी क्षेत्र में अतिवृष्टि से हुई फसल के नुकसान की गिरदावरी करने तथा किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर एवं पानी निकासी हेतु जगह जगह से सड़क को काटकर पानी निकाला गया, उससे रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे आवागमन में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, इसे दुरुस्त किया जाए, दोनों मुख्य मांगों को लेकर के प्रशासनिक अधिकारी ऋतुराज शर्मा को ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के शिवराम गोस्वामी, हजारीलाल वंशीवाल, संतोषी परमार, एडवोकेट घनश्याम जाटव, निहाल सिंह गुर्जर, रामलखन परमार सलीमपुर सहित अनेक किसान मजदूर उपस्थित हुए। बसेड़ी से निशांत पारासर की रिपोर्ट। सलीमपुर बसेड़ी दोपरा के बीच में रास्ता 5 जगह से कटा हुआ है और सारी फसल नष्ट हो गई है, उसकी गिरदावरी कराई है और किसानों को उचित लाभ और मुआवजा दिया जाए। और जो रास्ते काट दिए गए हैं उनको तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल VBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।